हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीबीपी की तरफ से एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर व हेड कांस्टेबल की भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर हम टोटल पद की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 526 यानी कि 526 पदों पर दोस्तों आपकी जो भर्ती होने वाली है। अगर हम पदों की बात करें तो देखिए, सब इंस्पेक्टर के लिए 92 पद यानी कि 92 पद, और हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पे देखिए 434 पद यानी कि 434 पदों पे भर्ती होने वाली है। अगर दोनों को इनको इंक्लूड कर दिया जाए तो दोस्तों ये 526 पदों पे भर्ती होने वाली है। एज की दोस्तों अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल के बीच में मांगी गई है। बाकी जो आपकी ओबीसी है, SC ST है, जैसे उनको छूट दोस्तों मिलती है वो यहाँ पे मिलने वाली है। ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल एज में छूट मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हेड कांस्टेबल के लिए दोस्तों 12th तो आप पास होना चाहिए आपका, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों फॉर्म फीस के लिए कि कितनी लगने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। SI यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 यानी कि 200 फीस लगने वाली है। बाकी इसी SI में जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है यानी कि लड़कियां हैं, प्लस SC प्लस ST प्लस EX सर्विसमैन की जो फीस है वो 0 है, कोई भी फीस यहाँ पे इनको नहीं लगने वाली है। बात करेंगे हेड कांस्टेबल की, तो इस पे देखिए ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस लगने वाली है। बाकी ऑल फीमेल्स किसी भी कैटेगरी की हो वो, और SC ST EX सर्विसमैन के लिए 0 फीस लगने वाली है। कोई भी फीस यहाँ पे महिलाओं के लिए नहीं लगने वाली हो, किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है। फिर बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा और कब से शुरू होगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, वो आपका देख पा रहे 15/11/2024 से स्टार्ट होगा, 15 नवंबर से, और इसका जो फॉर्म है वो आप 14 दिसंबर 2024 तक भर पाएंगे। और जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। क्या भरा जाएगा? ऑनलाइन, ठीक है। ये अगर हम दोस्तों बात करें तो इसके लिए ऑल इंडिया देखिए कोई भी भर सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के लिए भर्ती है। इस पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपका एग्जाम होगा, ठीक है, फिर फिजिकल होगा और आपका मेडिकल होगा। 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा और इसकी डेट अभी नहीं आई, कमिंग सून जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि जैसे आएगी सूचित किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो ये इस तरह से भर्ती है दोस्तों। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, और इसमें दोस्तों आपका जो फॉर्म वगैरह है पूरी तरह से ऑनलाइन भर जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए और SC ST के लिए कोई फीस नहीं लगनी है, तो आप लोग जरूर ट्राई करें, ठीक है। जैसे ही इसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे तो हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर सूचित कर देंगे कि आपको फॉर्म भरना कैसे। फिर भी अगर इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कोई पॉइंट ऐसा मिसिंग है जो आपको नहीं पता है और आप जानना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आके हमसे बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे शो हो रही, मनोज सिंह प्रयागराज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नई भर्ती के अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।